मोदी हुकूमत में भारत हिंदुत्वा बलदस्ती के साथ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, फासिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं भारतीय आर्मी चीफ के बयानात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक हमारे खदशात में इजाफा कर रहे हैं। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के बयानात के बाद किसी भी भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि आलमी बरादरी को भारतीय रवैये से मुतल्लिक मुतनब्बे कर रहे हैं। भारत ने दाखिली इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। इमरान खान ने कहा कि शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ भारत के हक पसंद एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एहतजाज अब तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। भारत में बढ़ते हुए मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात भी बढ़ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतल्लिक हमारे खदशात में इजाफा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौजों का मुहासरा जारी है। मकबूजा वादी में कर्फ्यू उठाने के बाद खूनी फसादात का खदशा है। मोदी सरकार के गुज़श्ता 5 वर्षों में भारत हिंदुत्वा बलदस्ती के साथ हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। भारत में हिंदुत्वा फासिस्ट नजरियात का गलबा होता जा रहा है।